राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते कनुभाई गांधी का निधन हो गया है। वो 87 साल के थे और काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। ये तस्वीर नमक सत्याग्रह की है। इसमें महात्मा गांधी की छड़ी पकड़े हुए उनके पोते कनुभाई गांधी दिख रहे हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान ये तस्वीर पूरी दुनिया में चर्चित हुई थी। 87 साल की उम्र में गांधी जी के पोते कनुभाई का निधन हो गया है। उन्होंने सूरत के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। पूज्य महात्मा गांधी के पौत्र आदरणीय श्री कनुभाई गांधी का आज दुखद देहांत हुआ है। वो यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर में पंजाबी समाज के साथ रहते थे। कुछ दिनों से उनका कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक की वजह से उनको इंटेंसिव केयर में रखा था। अमेरिका के नासा में करीब 3 दशक तक वैज्ञानिक रहे कनुभाई कुछ साल पहले ही पत्नी शिवा लक्ष्मी के साथ भारत लौटे थे। उनकी अंतिम इच्छा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आखिरी सांस लेने की थी, जो पूरी नहीं हो पाई। परिवार में अब केवल उनकी 90 साल की पत्नी रह गई हैं। कनुभाई की कोई संतान नहीं थी। कनुभाई के पास अपना कोई घर तक नहीं था। वो आश्रमों और धर्मशालाओं में जगह ढूंढते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कनुभाई के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है, मैं महात्मा गांधी के पोते कनुभाई के देहांत की खबर से दुखी हूँ। उनके साथ की गई बहुत सी बातें मुझे याद आ रही हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। कनुभाई गांधी कुछ समय पहले उस समय चर्चा में आए थे जब उनके दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में रहने के बारे में पता चला था। कनुभाई की देखभाल करने वाले राधा कृष्ण ट्रस्ट और सूरत के प्रशासन द्वारा आज सूरत में उमरा श्मशान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।